नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक का जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, किचन से रिलेटेड है, डिश डिटर्जेंट। इको फ्रेंडली डिश डिटर्जेंट का ये प्रोडक्ट है और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। बहुत ही बेहतरीन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे यूज़ करें उसके लिए कृपया करके आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो ग्रेप्स है, ठीक है, ग्रेप्स, ये ग्रेप्स आपको क्लीन करके दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको, ठीक है। ठीक है, ग्रेप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गए, ठीक है, एप्पल, अनार और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह है, टमाटर और जो भी ये भिंडी, नींबू, जो भी सब्जी है, सब्जी को, फ्रूट्स को, सभी प्रकार की चीज़ों को आप इजीली वॉश कर सकते हो। क्योंकि आजकल क्या है, जो भी वेजिटेबल्स होती है उसमें काफ़ी प्रकार के हानिकारक केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसको उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। टमाटर्स वगैरह भी, जो भी सब्जियां हैं आजकल मैक्सिमम, और ग्रेप्स का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ग्रेप्स के ऊपर भी केमिकल्स उनको पकाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्लीन वाटर है हमारा, ठीक है, और ये डिश डिटर्जेंट, तो मैं इसको खोल रहा हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे, और एक स्पून ले लूँगा मैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा आप स्पून से ले सकते हो इसको, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, बस इतना सा डाल रहा हूँ मैं, और अभी आपके सामने देखेगा क्या फ़र्क पड़ता है। और अभी स्पून वगैरह लेता हूँ मैं, एक चम्मच, ठीक है, चम्मच, चम्मच से मैं इसको घोल रहा हूँ। जो डिश डिटर्जेंट है पानी के अंदर मैं डाल रहा हूँ इसको, ठीक है, पानी के अंदर, पानी के अंदर मैं घोल रहा हूँ इसको। और ये देखिए आप, ठीक है, ये छोटे वाला गुच्छा ले लेता हूँ। तो ये बस आपको इसको ये ऐसे रखना है, ठीक है। और ये जो पहले का है ऑलरेडी देख रहे होगे आप, इसके अंदर मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो वाइट स्पॉट है, ठीक है, ग्रेप्स के ऊपर जो केमिकल्स होता है उसको अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हो। जब भी आप ग्रेप्स यूज़ करते हो खाने के लिए, खाने से पहले उसको धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया और केमिकल्स लगा होता है जो कि आपके और आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी डिजीज उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिश डिटर्जेंट को पानी में घोलना है, ठीक है, पानी का मैं तो ये इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बस इसको आपको ऐसे ऐसे रिंज करना है, इसके झाग आएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल है वाइटिश कलर का जैसे आप देख रहे हो, और ये आपके सामने बस आपको ऐसे ऐसे इसको घुमाना है, चार पांच या आठ दस टाइप, आठ दस बार, ठीक है। जैसे घुमाओगे तो ये देखो आप बिल्कुल चमक रहा है ये, ठीक है। इसका इसका जो तो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम और डाल लेते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने जो यूज़ किया था वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में यूज़ किया था डिश डिटर्जेंट, और उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसमें रख रहा हूँ। और इसको भी आप पूरा देख सकते हो, इसको भी दो तीन बार आप रोटेट करते रहिए इसके अंदर। तो जितना भी जो केमिकल्स है इसमें, हानिकारक केमिकल्स होते हैं, वो सारे निकल जाएंगे इसके यूज से। और ये डिश डिटर्जेंट इको फ्रेंडली है दोस्तों, इको फ्रेंडली है, ठीक है। और इसमें ऑटोमेटिकली जैसे आप घुमाओगे तो ये बिल्कुल वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, और ध्यान रहे जैसे अभी आपने ये वॉश कर लिया, ठीक है, ये वॉश कर लिया तो बिल्कुल क्लीन वाटर से फिर आपको दो से तीन बार इसको और वॉश करना है क्लीन वाटर में, उसमें थोड़े झाग रह जाते हैं, और उसको भी वॉश करना है आपको, ठीक है, जो पहले साफ किया था हमने, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों का, इसमें ये मैं यहाँ रख रहा हूँ और ये हमारा पहले का है।
बिल्कुल देखो चमक भी आ गई है और क्लीन भी हो गया, और इसको 2 से 3 बार जैसे झाग है तो इसको साफ पानी में आपको वॉश करना है, ठीक है। इसको 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो वाइट वाइट लगा हुआ था और इसके अंदर जो वाइट वाइट लगा वो बिल्कुल क्लीन हो गया है, सेम, ठीक है। सेम तरीके से आप ये वाले ग्रेप्स यूज़ कर सकते हो, इसको भी आपको 2 से 3 बार आप घुमा सकते हो, 5-6 बार आप इसको घुमाइए, ठीक है। तो आपका जो ग्रेप्स है बहुत ही हाइजेनिक कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा और उसको आप यूज कर सकते हो खाने के लिए, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये देखिए इसका कंडीशन देखिए, और ये जो मैंने साफ किया है इसका कंडीशन देखिए आप कितना चमक रहा है, और ये ऐसे है। तो इस प्रकार से ग्रेप्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और जैसे ये एप्पल है, एप्पल को भी आप इसमें रोटेट कर सकते हो, तो एप्पल के ऊपर भी काफ़ी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की होती है, और एप्पल को प्रिजर्व करने के बाद उसमें काफ़ी केमिकल्स रह जाते हैं, तो इसको आपको वॉश करना है ईजली, ठीक है, इसको वॉश करना है आपको, ठीक है। ये डिफरेंस देखिए इसका और इसका, ठीक है। और इसको फिर साफ़ पानी से 3 से 4 बार आपको क्लीन करना है, ठीक है। तो ये साफ़ पानी है, तो इस प्रकार से आप वेजिटेबल्स और फ्रूट जो भी है वो आप इससे यूज कर सकते हो। डिश डिटर्जेंट मैंने यूज किया था बिल्कुल ज़रा सा, थोड़ा सा, तो ये इको फ्रेंडली है और बिल्कुल हर्बल तरीके से रिसर्च करके बनाया गया है। तो जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं सारी चीज़ें आप इससे यूज़ कर सकते हो। ये लाइव डेमो जो मैंने आपको करके दिखाया, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो और इसका जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये डिफरेंस है दोस्तों आपके सामने, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो इसको, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको डिश डिटर्जेंट के बारे में बताया कि डिश डिटर्जेंट को कैसे यूज़ करें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। एटॉमिक के प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों, इस कंपनी से जुड़िए आप, और आपको टीम वॉरियर में पूरा सपोर्ट मिलेगा टाइम टू टाइम। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हमारे, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो भी दिए गए हैं आपको, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो जैसा कि हमने डिश डिटर्जेंट यूज किया काफ़ी थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है, और उसके जो झाग है वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं जैसा कि आपने अभी देखा होगा। और ये देखिए आप ग्रेप्स को, इसके जो नाकू है सबसे तोड़ के इसको अलग करो, एक एक ग्रेप्स बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और उसके जो केमिकल्स है वो भी यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको पहले इसमें यूज़ करना है, उसमें 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद साफ पानी से धोना है। साफ पानी से तब तक धोना है जब तक उसमें झाग झाग जो है वो चले ना जाए। तो देखिए ये साफ पानी में हम धो रहे हैं, और इसमें जो झाग है वो नहीं होने चाहिए। तो 4-5 बार आपको क्लीन करना है, और इसके जो झाग है वो बिल्कुल इसमें नहीं दिखाई देने चाहिए, फिर आप इसको खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें अभी झाग है ना, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैंने 4-5 बार इसको वॉश किया है पूरी तरीके से, ठीक है, जैसे इसमें झाग कितने ज़्यादा है, और इसको आपको 4-5 बार आपको क्लीन करना है जब तक इसके पूरे झाग चले ना जाए। तो अभी और फिर इसका पानी जो है वो आपको निकालना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारा पानी हमने निकाल दिया है, और अब इसको खाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और जो पहले हमारा जो ग्रेप्स था, ठीक है, उसमें कितना केमिकल था, बिल्कुल वाइटिश हो रखा था, तो अब देखिए आप, ठीक है, इसमें चमक भी आ गई है, और एक एक ग्रेप्स के ऊपर वाइट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अब इसको आप यूज़ कर सकते हो खाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, डिश डिटर्जेंट का बहुत ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, सब्जी और फ्रूट आप इससे वॉश कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।